हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं जी थोड़ा अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी स्टडी इनसाइडर। अज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है जी, उस आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो के चैप्टर। तुम देख सकते हो कैमिकल काइनेटिक्स, इस आप डिटेल के समझा सारे एमसीक्यू कंसैप्ट देखा, ज़्यादा डिटेल के नहीं जावे ताकि आप इस पूरा कंसैप्ट भी समझ आ जाए तो एमसीक्यूज भी अपने सारे कर सके जो कि एग्जाम के मास्टर गेट के आने हैं। तो आप पूरा इस सही तरीके समझा सारी वीडियो तुमने शुरू तो लैके लास्ट तक देखनी है, मे बी पार्ट वाइज हो। हाँ जी, तो वीडियो में शेयर जरूर करना, कमेंट करके दसना थोड़ा किस तरह लग रही है ने वीडियोस। ठीक है जी, तो आज दी अपनी वीडियो नू शुरू कर दें। हाँ जी, तो सब तो पहले आप गल करते हैं जी इस वीडियो के कैमिकल काइनेटिक्स के बारे। सब तुम्हें पता होना चाहिए कि कैमिकल काइनेटिक्स पहले वर्ड का मतलब की होंगे। देखो, कैमिकल का मतलब तो कोई कैमिकल रिएक्शन की गल हो रही है, एंड काइनेटिक्स का मतलब किसी मोशन की गल हो रही है या किसी चेंज की गल हो रही है ना, तो उही आप ये पढ़ाएंगे। तो देखो, सब तो पहले देखेंगे की होंगे ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री के भी आप फर्दर फिजिकल की गल कर रहे हैं, तो करके ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द कि चीज़ों डील करती है कैमिकल काइनेटिक्स। सब तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन, रेट का मतलब किसी भी रिएक्शन की, कैमिकल रिएक्शन की स्पीड। मतलब आप इतने की देखना है कि जो कि कैमिकल रिएक्शन होंगी है किन्नी स्पीड न होंगी है। दो चीज़ें होंगे ने, सब तो पहले रिएक्टेंट होंगे ने, फिर अपने को प्रोडक्ट होंगे ने। किस स्पीड न रिएक्टेंट प्रोडक्ट के तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इन्हों की हो रही है डिसपीयरेंस हो रही है, यदि की हो रही है फॉर्मेशन हो रही है। तो की इन स्पीड की रहती है कि यह किस स्पीड न चेंज हो रहा है, यही अपने पढ़ने के। ठीक है, रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कि फैक्टर ने जेडे इस रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड न, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। जिस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें ने, जे मैं अलग अलग तरह के होंगे ने रिएक्टेंट, ठीक है, उन्होंने उपर डिपेंड करेगा, मतलब कंसनट्रेशन हो जाएगी, फिर यदि नेचर हो जाएगी, होर भी काफ़ी सारे पॉइंट आने ये आप डिस्कस करा पूरी वीडियो के। ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है जी मकैनिजम ऑफ कैमिकल रिएक्शन, किस वे नाल, किस रास्ते कोई भी कैमिकल रिएक्शन, ठीक है, अपना पाथ फॉलो कर रही है ताकि वह रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट के चेंज हो जाए। तो ये चीज़ों के उपर की ब्रांच जी फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है उसे आप बोलते हैं कैमिकल काइनेटिक्स। तो यही ये आप पूरी डिटेल पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन की होंगे, ठीक है, वो कि टाइप हो जाएं ने, किमें किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हो। ठीक है, उस तो बाद होर भी काफ़ी सारी चीज़ा आनगी उन्होंने आप पूरी डिटेल डिस्कस करा, तो हम आप देखते हैं किमें डिस्कस करना पाने। हाँ जी, तो उस तो बाद देखो केंद्र रेट ऑफ रिएक्शन की होंगे ये बारे आप जी देखिए आप देखा केंद्र चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब की है, थोड़े कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, मान लो तुम किसी रिएक्टेंट की किसी भी कैटालिस्ट नाल जे मैं एक दूसरे नाल रिएक्टेंट रिएक्शन करवाई तो की बन गए, प्रोडक्ट बन गए, कुछ अपने को नवा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जिदियाँ कैमिकल रिएक्शन या कैमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट ने पहला वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नालों। ठीक है, तो की होएगा यह किन्नी स्पीड नाल प्रोडक्ट विच चेंज हो रहा उन्होंने आप बोलेंगे, ठीक है, की यदि रेट है, की यदि स्पीड है। जिस तरह के कोई भी व्हीकल है अपनी स्पीड पर जा रहा, जब तुम किसी भी व्हीकल से, ठीक है, किसी भी रास्ते जा रहे हो तो थोड़ी की स्पीड होएगी एक पर्टिकुलर, जब तुम व्हीकल की एक पर्टिकुलर स्पीड होएगी तो उन्होंने की बोलेंगे रेट ऑफ व्हीकल की, उसकी स्पीड कितनी है। उस ही तरह एक रिएक्शन है, रिएक्शन अपनी स्पीड नाल प्रोडक्ट वाल बढ़ रही है, तो यदि की स्पीड होएगी, की रेट होएगी, उस आपको स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा जी आप गल करिए चेंज इन कंसनट्रेशन। देखो, कंसनट्रेशन का मतलब यह है कि जो अपने को रिएक्टेंट लाए ने उन्होंने कंसनट्रेशन कितनी है, उन्होंने मात्रा कितनी है, तो वह की हो जाती है डिक्रीज हो रही है ना, जो ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या डिसअपीयर हो रहे हैं हौली हौली घटते जाते हैं। बट जो आप गल करिए प्रोडक्ट की, इन्हों की जो कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी। देखो, पहले तो यह कुछ भी नहीं, मान लो हले एट टी इक्वल टू जीरो पर थोड़े को सिर्फ रिएक्टेंट ही सी, बट जिमें जिमें टाइम बढ़ता गया उस ही तरह रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घटती जाएगी। ठीक है, इन्हों की कंसनट्रेशन की होती जाएगी, घटती जाएगी, एंड ये किद चेंज होंगे जाएंगे, प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो इन्हों की कंसनट्रेशन की हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट जे अपने को कंसनट्रेशन होंगी है, कंसनट्रेशन के नाल आपको साइन लगा बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। तो मैं इतने की करूँगा, जो भी मैं रिएक्टेंट की रेट दसूँगा, रेट ऑफ पर्टिकुलर किसी भी, ठीक है, एक रिएक्टेंट की गल करूँगा तो वो मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, एंड जो मैं प्रोडक्ट की गल करूँगा तो मैं एक प्लस का साइन लगाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लस का मतलब क्योंकि जो कंसनट्रेशन बढ़ रही है, माइनस का मतलब कंसनट्रेशन घट रही है। इसी ही तरह जो आप गल करिए कि रेट ऑफ या चेंज ऑफ कंसनट्रेशन, जी चेंज एक कंसनट्रेशन के, मतलब कि इन्हों किमें रीप्रजेंट करोगे। ठीक है, जिस तरह के पर्टिकुलर एक आप ले लवेंगे, ठीक है, ये कोई रिएक्टेंट है पर यूनिट टाइम, इस तरह तुम इन रीप्रजेंट करोगे की होंगी है चेंज इन कंसनट्रेशन। डेल्टा का मतलब कि चेंज
पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम या टोटल टाइम तुम कह सकते हो कितनी टाइम के बिच कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। जे मैं इनू रिएक्टेंट लवा तो ये मैं साइन माइनस का लगाऊंगा, जे ही मैं इनू प्रोडक्ट लवा तो ये मैं साइन प्लस का लगाऊंगा, ठीक है। तो जे एक आप छोटी जी एग्जाम्पल लेके समझिए, जिस तरह कि इतने आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा PCl5 गिव्स आपको की दिता है PCl3 प्लस PCl2, ठीक है। ये रिएक्शन होंगी है, ये रिएक्शन एक कैमिकल रिएक्शन है। इतने आप दस सकते हैं कि किमें जो एक रेट ऑफ रिएक्शन इतने आप मेजर कर सकते हैं, किमें आप कढ़ सकते हैं, जो आप किमें रीप्रजेंट कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के रिएक्टेंट का किमें एक दूसरे के नाल मैच हों इक्वल हों। देखो तो इतने मैं की बोलूँगा, जे मैं कह कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन कढ़ के दौ तो किमें कढ़ा आप लिख लवेंगे जी, एक मान लो एक कोई भी एक पर्टिकुलर आप कंसनट्रेशन, ठीक है, स्केयर ब्रैकेट लिख दें तो मैं इतने लिखूंगा पी सी एल फाइव, ठीक है, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, बट मैं ये साइन माइनस का लगा दूंगा क्योंकि इन्हों की कंसनट्रेशन घटती है तो इन्हों की कंसनट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। उस तो बाद इक्वल टू, इक्वल टू क्यों पाना क्योंकि इस इक्वल हो जाएगा। उस तो बाद इतने मैं लगाऊंगा डेल्टा कंसनट्रेशन, ठीक है, पी सी एल थ्री, उस तो बाद ब्रैकेट बंद, उस तो बाद डेल्टा टी, ठीक है, ये तो हो जाएगा। इसे तो नाल नाल मैं प्लस पा दूंगा इतने, प्लस की हो जाएगा डेल्टा सी एल टू ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी, तो यह पूरी रिएक्शन हो जाएगी जिसनों आप रीप्रजेंट कर सकते। ये मूरे भी प्लस है जी, देखो ये मूरे प्लस है, बट इतने आपने की पाया माइनस पाया, तो यही दोनों का डिफरेंस होंगे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस तुम बोल सकते हो। माइनस से प्लस का की है कि जस्ट एक की रीप्रजेंट कर दिया कि कंसनट्रेशन घटती है एंड प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। तो यह होंगे थोड़ा पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा इनू तुम जो मैं कह कि इनू तुम्हें मेजर किमें करना है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम मेजर किमें करोगे, तो एक ही चीज़ है जो भी थोड़े को, जो मैं थोड़े एक छोटे जे ग्राफ के समझाव, मान लो एक थोड़े को ग्राफ है एंड ग्राफ की हो रहा है बढ़ता ही है, यद मतलब की है रिएक्शन की है एक पॉजिटिव साइड में जा रही है, तो मतलब की है रिएक्शन कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट की ने घट रहे हैं प्रोडक्ट कोई बन रहा है ना, ये थोड़े को हो जाएगी एंड पॉजिटिव साइन वाल होएगा। तो इतने किमें लिखोगे, मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं थोड़ा कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन दसो की होएगी, तो मैं की करूँगा इस पॉइंट पर इस कर्व की मैं स्लोप चैक कर लूँगा की होएगी, इस पॉइंट पर इस कर्व की मैं स्लोप चैक कर लूँगा की होएगी, उसी मैं बोलूँगा रेट ऑफ रिएक्शन। जिस तरह की मान लो ये पॉइंट कोई हैगा तो मैं की बोलूँगा डी एक्स अपॉन डी टी, तुम बोल सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी की बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक तरह का देखो ये की है ये बिग चेंज कह दें इनू समॉल चेंज कह दें, इसे ही तरह डी ए अपॉन डी टी, इस तरह डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब कि इन्हों का जो भी आप किसी भी पॉइंट के उपर स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, उन्होंने आप बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना, ठीक है। ये दोनों का एक फिजिकल जो सिग्निफिकेंस बोल सकते हो, उस तो बाद चेक करते आप की होएगा। हाँ जी, तो इस तो बाद आ जाता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एग्जाम के पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर एक रिएक्शन की यूनिट दसो की ने, जा गैसस फॉर्म चाहे सॉलिड फॉर्म चाहे लिक्विड फॉर्म चाहे, तो ये सानू दसो कि यूनिट की ने, तो इन आप देखते हैं हम किमें आप फाइंड कर सकते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन की जो आप यूनिट की गल करिए, पहले देखो इन फॉर्मूला की लिखोगे, चेंज इन कंसनट्रेशन, चेंज इन कंसनट्रेशन डिवाइड की होता अपने को डेल्टा टी आता है ना, तो कंसनट्रेशन आप मोलर कंसनट्रेशन होंगी आप कि लिखते हैं मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो आप की आ जाएगा मोल पर लीटर आ जाएगा, मोल पर लीटर आ जाएगा एंड टाइम का की आ जाएगा टी आ जाएगा, है ना। तो इन आप किमें रीप्रजेंट कर सकते हैं, इतने मिनट लिख लो क्योंकि आप लीटर लिखे, तो की आ जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, तो ये की हो जाएंगे ये यूनिट हो जाएंगे। इसी तरह तुम इनकी डिमेंशन भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक पॉइंट आ जाता कि जे ये कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो थोड़ा गैसेस फॉर्म च दी गई है तो तुम्हें ये यूनिट किमें फाइंड करोगे, तो थोड़ा पता होना चाहिए कि गैस फॉर्म के जो भी थोड़ा गैस फॉर्म दी जाती है तो जो कंसनट्रेशन लें उ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन नहीं रह जाती, उत्थे बन जाता प्रैशर। जो तुम गैसेस स्टडी करते हो, जो तुम उनका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हो, तो उत्थे आप चेक करते हैं किसी भी गैस का प्रैशर किन्ना है। एक गैस जो किसी दूसरी गैस के थोड़ा बहुत तब्दील होंगे ने या मिक्स होंगे ने, तो आप चेक करते हैं कि पहला गैस के उपर प्रैशर किन्ना सी, उस तो बाद प्रैशर किन्ना सी, ता करके जो यह कंसनट्रेशन वर्ड है ये चेंज हो जाता है प्रैशर के नाल। तो प्रैशर के यूनिट की होंगे ने, प्रैशर के यूनिट होंगे ने एटमोसफियर, इतने की आ जाएगा एटमोसफियर पर टाइम, तो इतने की आ जाएगा एटमोसफियर पर टाइम आ जाएगा, है ना। तो तुम यूनिट देख सकते हो एटीएम, ठीक है, उस तो बाद सैकेंड इनवर्स हो जाएगा, यह की हो जाएंगे ये यूनिट हो जाएंगे, सिंपल है। तो तुम दस सकते हो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैपा किमें फाइंड कर सकते हो। हाँ जी, इस तो बाद आ जाता थोड़े को
एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ध्यान नाल सुनियो। तो की होंगे एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन की गल करते हैं, हूँ थोड़ा पता कोई भी रिएक्शन जिम्मे अपने पी सी एल फाइव, ठीक है, अपने देखे से पी सी एल थ्री प्लस पी सी सी एल टू के कन्वर्ट हो जाता, पी सी एल फाइव ये दो जो प्रोडक्ट के ब्रेक हो जाता है। पर जो आप गल करिए, मान लो मैं थोड़ू वैसे एक जनरल टाइम ले रहा, जे मैं कह कि टी इस पूरी रिएक्शन होने लई पूरा 100 सैकेंड लगे, पूरे 100 सैकेंड लगे, ठीक है, पूरे किन्ने सैकेंड लगे, 100 सैकेंड लगे, तो मैं कि तुम कह सकते हो कि पूरे 100 सैकेंड के यदी रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सटेंट रही है? बिल्कुल नहीं। तो करके जो हर एक सैकेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन होंगी है तो चेंज होती रहती है, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन की स्पीड है, चेंज होती रहती है, तो वो अकॉर्डिंग आप इतने नहीं कह सकते कि तुम एक पर्टिकुलर पूरी, ठीक है, भी जो रेट है कॉन्सटेंट रहेगी। तो आप चैक करते हैं एवरेज, तो ही वर्ड आया थोड़े को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, आप ओवरऑल चैक कर लें, एक एवरेज फाइंड कर लें कि पूरी रेट ऑफ रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की होएगा। जो आपने पहला स्टडी किया आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नाल ही रिप्रजेंट करते हैं, जो कि होंगे, ठीक है, इतने तुम लिख सकते हो एवरेज रेट ऑफ, ठीक है, रिएक्शन की होएगा इज इक्वल टू जो आपने देखा थी डेल्टा, ठीक है, तुम की कह सकते हो किसी की भी कंसनट्रेशन डिवाइड डेल्टा टी, इनू तुसी लिख सकते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट जे आप लगाइए इतने इंस्टेंटेनियस वर्ड, जे आप लगाइए इतने इंस्टेंटेनियस वर्ड तो की आ जाता है, हूँ देखो एक कोई रिएक्शन हुई है इतने, आप ग्राफ लैके समझा सकते हैं इसनों, ठीक है, मैं थोड़ा कहा कि कोई रिएक्शन हुई है इस तरह, ठीक है, ये ग्राफ नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो मैं कहा कि एक इस पॉइंट के उत्ते, ठीक है, रेट इस मान लो टी इज इक्वल टू किन्ना है, ये 5 है, तो ए टी किन्ना है, ए टी किन्ना है, ये मान लो 10 है, ठीक है, इस टाइम के उत्ते, ठीक है, आप की कहांगे ये की है एक्स वन है, एंड इस पॉइंट के उत्ते की है, ये की है जी एक्स टू है। तो मैं इतों रेट ऑफ रिएक्शन को किवें फाइंड करूँगा, रेट ऑफ रिएक्शन मैं इतों सीधा लिख रही हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू की हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, इसे ही आप एवरेज बोल दें, इसे ही आप एवरेज बोल दें, है ना। तो इतने हाँ एक चीज़ होर आ जाती है, हूँ थोड़ा पता ये नैगेटिव आएगा, क्यों नैगेटिव आएगा, क्योंकि एक्स टू घट है एंड एक्स मन की है ज़्यादा है, जो तो छोटे चो आप वाला माइनस करा तो की आएगा नाल माइनस आ जाएगा बारे, जिदे करके इतों आप दस सकते हैं कि रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन है प्रोडक्ट की नहीं है, है ना। तो अच्छा जी मैं गल करा कि इंस्टेंटेनियस, मैं थोड़ा कहाँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर टी इज इक्वल टू 7 तो मैं दसो कि इसकी रेट जो सी किन्नी सी, इसकी रेट किन्नी सी। मैं हूँ थोड़ा कहता कि टी इज इक्वल टू 7 पूरे 10 सैकेंड के एक पर्टिकुलर सैकेंड की गल कर रहे, एक पर्टिकुलर टाइम की गल कर रहे हैं, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की गल कर रहे हैं, तो उदो रेट ऑफ रिएक्शन तुम किमें फाइंड करोगे? तुम ने की करना है, जस्ट जो डेल्टा टी लें आप, डेल्टा टी ओवरऑल टाइम टोटल चेंज इन जो टाइम होंगी है, इनू जस्ट 10 to 0 कर दो, इनू 10 to 0 कर दो, थोड़े को आ जाएगी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो तुम्हें की करनी है, जिस तरह के इतने मैं पी ले लेना कोई भी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इनू मैं जी डेल्टा डेल्टा 10 to 0 कर दिता, तो की बन जाएगा जो बिग चेंज है वो की बन जाएगी, स्मॉल चेंज बन जाएगी, उन्होंने आप लिख देंगे डी एक्स, वो की बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा, या डी पी कह लो डी पी अपॉन डी टी बन जाएगा, जिन्होंने आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की होंगी है, चेंज इन कंसनट्रेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उन्होंने आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हूँ तुम इन एक बार देख लो, जो भी आप समझाया इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, इस तो बाद आ जाते थोड़े को एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तुम एक रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है, जो कि थोड़ा एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा कई बार की पूछ लेंगे यदि ज्यादा फॉरमेशन पूछ लेंगे कि यदि रेट पता करो यदि फॉरमेशन जी, या फिर यदि सॉरी यदि आप डिस्पेरियंस की पूछेंगे यदि आप फॉरमेशन जी, या यदि या फिर थोड़ा दसया जाता है कि यदि पूरी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करके लिखो की होएगी, तो उन्होंने आप देखते हैं दोनों के थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उन्होंने तुमने ध्यान देखना है। जो तो भी थोड़ा देखो ये होंगे ने स्टॉन्शियोमेट्रिक कॉफिशियंट होंगे ने जो ना लगे होंगे ने, ठीक है, कि आप किन्ने मोल आए हैं इस कंपाउंड के, तो ये किन्ने मोल बने ने, ये किन्ने मोल बने ने, थोड़ा पता है बना है ना। तो यह स्टॉन्शियोमेट्रिक कॉफिशियंट होंगे ने, जो कि बहुत ज्यादा इन्हों का इंपॉर्टेंट रोल होंगे रेट ऑफ रिएक्शन के, किमें तो तुम इनू किमें, ठीक है, रिप्रजेंट करोगे? मैं इतने लिख रहा सीधा रेट ऑफ, ठीक है, रिएक्शन लिख रहा, तो मैं कि लिख लूँगा जो ए वाले जो कॉफिशेंट होंगे ने, एक ही हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, जो स्टॉन्शियोमेट्रिक कॉफिशेंट होंगे ने, जो भी कंसनट्रेशन आप लिखते हैं, जो यदि रेट यदि आप डिस्पेरेंस की रेट लिखा वो ही डिवाइड हो जाएंगे, किमें हो जाएंगे? देखो मैं इतने की लिखूंगा स्केयर ब्रैकेट एन टू ओ फाइव, ठीक है, डिवाइड कर दूंगा इनमें डेल्टा टी के, एंड ये थोड़ा पता माइनस भी आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है जिसकी कंसनट्रेशन घट रही है, तो करके मैं की कर दूंगा 1/2 कर दूंगा, जो कि 2 लग्या होया सी। उस तो बाद रेट कि यदि फॉर्मेशन दे कोल है, तो करके 1/4, ठीक है,
स्केयर ब्रैकेट एनओ टू डिवाइड डेल्टा टी, ठीक है। देखो जिनी एदी स्पीड नाल ये बन रहा है उन्नी ही स्पीड नाल ये बनेगा, तो दोनों की रेट इक्वल होएगी, ठीक है। तो की आ जाएगा इतने ओ टू डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो इनू तुसी की कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा जे मैं थोनू पूछ लवां कि मैनू पूरी रिएक्शन दे विच एदी फॉर्मेशन सॉरी एदी डिसपीयरेंस की रेट दसो, एदी डिसपीयरेंस की रेट दसो, तो तुसी किवें फाइंड करोगे? तुसी इनू पूरे नू फाइंड कर लोगे, इन्हें तुसी पूरे नू फाइंड कर लोगे। इन्हों दो मान लो मैं थोनू एदी रेट दे दिती है, मैं थोनू एदी रेट दे दिती है, तुसी जस्ट की करोगे इसे नू पूरे नू फाइंड करोगे एदे कोल रख के, जस्ट इनू वन बाय फोर कर दोगे, तो देखो एदे कोल है ना, तो एदी पूरे दी की आ जाएगी, एदी डिसअपीयरेंस की रेट आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा ध्यान रखियो माइनस वन बाय टू उधर लै जाना, क्योंकि यही तो पूरी डिसअपीयरेंस की आपां नू पुछिया गया जो थोनू कहता कि एदी डिसअपीयरेंस की रेट पता करो, तो यह डिसअपीयरेंस जो आप रेट लिखी तो यह बन गई है ना, तो तुम इसे फाइंड करोगे तो वन बाय टू उधर नहीं लेके जाना, पानी ये नाल ही रखना है। बट जे मैं थोड़ा यदी रेट दे दी कि यदी फॉर्मेशन की रेट ए है, तो जस्ट उन्होंने वन बाय फोर डिवाइड कर दो, थोड़े को डिसअपीयरेंस की रेट आ जाएगी। बस ध्यान रखना कि माइनस नहीं उधर लेके जाना, टू भी नहीं उधर लेके जाना, क्योंकि इक्वल है ना। आप सोचते हैं कि कला इनू फाइंड कर लें एन टू ओ टू अपॉन डेल्टा टी, ना माइनस वन बाय टू ये नाल ही रहेगा, क्योंकि माइनस वन बाय टू ही तो इनू कंप्लीट करता है कि जो डिसअपीयर हो रहा है, क्योंकि ये अपने दो मोल लाए हैं, तो इनू थोड़ा ध्यान ना समझना। इसे ही तरह जे मैं थोड़ा कह दा कि यदि फॉर्मेशन की रेट पता करो, यदि फॉर्मेशन की रेट पता करो, तुमने की करना है जस्ट इनू वन बाय फोर कर, दोनों देखो दोनों इक्वल तो है, दोनों इक्वल ने ना, तो करके इन्हों दोनों की की आएगी, वैसे तिना की बराबर आ जाएगी रेट, का बट जे थोड़ा एक पार्टिकल दिता तो दूसरे को आप दूसरे की रेट फॉर्मेशन की या डिसअपीयरेंस की आप फाइंड कर सकते, बहुत सिंपल तरीके, ठीक है। इसी तरह तुम दूसरी रिएक्शन चेक कर सकते हो, इनू जो मैंने लिखना हो, इन मैं जो एक्सप्रैस करा एज ए रेट ऑफ रिएक्शन, तो किमें लिखूंगा? देखो इतने की आ जाएगा, देखो ये वन है तो सिंपल वन आ जाएगा एन टू, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी, बट नाल साइन माइनस का आएगा, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इज इक्वल टू की बन जाएगा, देखो ए भी की है, ए भी रिएक्टेंट है, तो ये भी की आएगा साइन माइनस का आएगा, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट एच टू डिवाइड बाय थ्री ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, डिवाइड बाय थ्री ऑफ डेल्टा टी आ जाएगा। इसी ही तरह इज इक्वल टू ए प्लस आएगा, ठीक है, प्लस वन बाय टू एन एच थ्री अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह तुम इन रिप्रजेंट कर सकते हो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके। एंड मेन चीज़ की है, इन जो थोड़ा एमसीक्यूज़ आने एग्जाम के, क्योंकि ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर सैकेंड ऑर्डर उन्होंने थोड़ा पूछे जाएंगे, वो भी आप देखा जो उन्होंने आप यूनिट वगैरह फाइंड करेंगे, तो पहले इन समझ लो किमें अपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना, बहुत ही सिंपल तरीके, ठीक है। आई होप समझ लग गया होगा, तो नैक्सट देखते हैं आप। जस्ट इस तो बाद देखो अपने हूँ की करना है, कहते एक मैं थोड़ा एक जनरल टर्म दे देती है कि यदि रेट या डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन सारा लिख के दिखाओ मैंने किमें लिखोगे, है ना, क्योंकि ये बेस से तुम सारी एग्जाम्पल कर सकते हो, वो सिंपल हो जाएगा। देखो तो मैं लिख रहा यदि पूरी रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इतने मैं लिखा आर ऑफ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किमें लिखूंगा मैं? देखो थोड़ा पता है रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, डन, ओके। माइनस वन बाय टू, ठीक है, डी अपॉन डी टी लिख लो सीधा चाहिए, ठीक है, इतने आ जाएगा ब्रैकेट के बीच ए, ठीक है, मैंने सॉरी इतने टू नहीं आएगा, ठीक है, ए क्यों किया? क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यदि मैंने रेट लिख लिया। उस तो बाद इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, डी अपॉन डी टी नाल आएगा, तुम्हें पता बी आएगा, इतने स्केयर ब्रैकेट के कैपिटल बी आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं फरदर लिख रहा इक्वल टू, है ना, इक्वल टू इतने तुम्हें पता प्लस आएगा, तो मैं की लिखूंगा वन अपॉन एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी टी इतने आ जाएगा मेरे को कैपिटल एक्स, ठीक है। इसे ही तरह इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन वाई स्मॉल वाई, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी इतने आ जाएगा कैपिटल वाई। ये हो जाती है थोड़े को रेट ऑफ रिएक्शन। एंड ध्यान रखियो इनू बोलता मैं जी यदि जी मैं थोनों ए दी सिंपल ए दी मैं कह कि यदि मैनू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड करो तो तुम इनू फाइंड करोगे, जे मैं थोनों कहा यदि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड करो तो तुम विद माइनस इनू फाइंड करोगे, ठीक है, अपॉन बी लगा के सारा कुछ। उस तो बाद जे मैं थोनों पूछा यदि फॉर्मेशन पता करो तो यह बन जाता है जी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, उस तो बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाई ए हो जाएगा। तो यह दोनों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ने, यह दोनों रेट ऑफ फॉर्मेशन ने, तो बस ज़्यादा इस समझने कुछ नहीं है, एमसीक्यूज़ करते हैं आप, देखो किमें होंगे। हाँ जी, तो देखो कहते रिएक्शन दी गई है थोड़ा टू ए प्लस बी गिवज सी, ठीक है, एक रिएक्शन दी गई, हूँ तुमने तो फाइंड की करना है, कहते रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज थोड़ा दिता गया कि जो सी है ये बन रहे हैं, यदि अपीयरेंस हो रही है तो यदि रेट कि दी है 1.3 इंटू 10 टू माइनस 4 मोल पर लीटर पर सैकेंड, है ना, ये दी गई है, तो इन्हों पहले लिख लें। अच्छा की होंगे थोड़ा ध्यान ना समझो, डी ठीक है इंटू सी अपॉन डी टी, ये थोड़ा दिता गया कि
1.3 × 10⁻⁴ ये दिता गया। ओके हुण कैलकुलेट की करना, पहला तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अच्छा जी पहला इतने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेने, एक बार पता लग जाऊगा आप किमें फाइंड करा। ए रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मैं किमें लिखूंगा 1/2 d/dt ठीक है इंटू ए राइट, इतने पावे माइनस इज इक्वल टू ठीक है की हो जाएगा माइनस ऑफ d/dt इंटू बी इज इक्वल टू की हो जाएगा सी हो जाएगा सिंपल। तो किन्ना हो जाएगा सी चेक कर लो, इतने 3 है चेक कर लो ठीक है, इतने 3 है तो इतने किन्ना हो जाएगा 1/3 d/dt इतने हो जाएगा सी ठीक है। ये चीज़ है हूँ देखो मैं पता है यदि वैल्यू तो मैंने दे रखी है रेट ऑफ अपीयरेंस, ये होंगे रेट ऑफ अपीयरेंस बिना किसी भी स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट तो मैं यदि वैल्यू तो पता है जस्ट उन्होंने मैं 3 डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को आ जाऊगा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा ठीक है। तो इतने जो मैं लिखा रेट ऑफ रिएक्शन कि हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कि हो जाएगा 1/3 इंटू मैंने गिवन है ना वैल्यू 1.3 × 10⁻⁴ ये की हो जाएगा थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन। हम थोड़ा पूछा गया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की होंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की हो जाएगा माइनस ऑफ ठीक है d/dt ठीक है d/dt इज इक्वल टू ए ए पूछा गया है ना। बट जब आप इतों की वैल्यू फाइंड करिए 2 को थोड़ा उधर लेके जाना पड़ेगा, हम थोड़ा यदि तो पूरी की वैल्यू पता कि है आ चीज़ है ना, तो कितना हो जाएगा हो जो 2 उधर जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू अपने पता है तो आप इन्हें ये को रखा आप सिर्फ माइनस ऑफ d/dt फाइंड करना कॉफिशियंट उधर लेके जाना पाएगा। तो कितना आ जाएगा 2/3 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे हैगा इंटू यदि वैल्यू अपन पता कि 1.3 × 10⁻⁴ तो यह हो जाएगा थोड़ा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आ गया क्योंकि इतने मूहे माइनस पाया। इसी ही तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी मैंने फाइंड कर लिया क्योंकि मैंने यह पता से रेट ऑफ रिएक्शन है, यह भी रेट ऑफ रिएक्शन है, यह भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तिना के जे की भी वैल्यू फाइंड करोगे इक्वल आएगी ठीक है। चेक कर लो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है ये डिसअपीयरेंस है, यह थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट इन्होंने सॉल्व करो थोड़ा आंसर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन के गिवन होगा उन्होंने टिक कर लवेंगे सिंपल तरीके सॉल्व करना है ठीक है जी। चल नैक्सट देखते हैं हाँ जी, तो उस तो बाद अपना टॉपिक देखो नैक्सट की है, कहते फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की हो सकता है। जो तो कोई भी रिएक्शन होती है तो काफ़ी सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं जिस तरह की टेंपरेचर हो गया प्रेशर हो गया ठीक है होर भी जिम्मे कंसनट्रेशन लै लो तो काफ़ी सारे डायरेक्टर जो फैक्टर ने इन दे करके रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। मतलब की है देखो जो तो अच्छा तुम कह लो कि दो मैं रिएक्शन लै लेना उन्हों की रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट क्या होंगी है, हूँ देखो वो अलग रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट अलग बनता है वो अलग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अलग बनेगा, हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग बॉन्ड होंगे किसी आयनिक बॉन्ड होंगे ठीक है कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो अलग अलग उन्होंने गिव्ड एनर्जी होंगी है ठीक है। तो करके आप कहने किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या फॉर्मेशन करने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए है, तो करके वह रेट ऑफ रिएक्शन भी तो डिफरेंट होएगा। इसे बेस से ही आप कहने कि फैक्टर ने जो इफेक्ट करते हैं रिएक्शन जिन्हें करके रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। इसी तरह आप कहेंगे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सब तो पहला पॉइंट देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट यदा मतलब की है, हमने आप जिसकी गल करके हटे कि जो तुम रिएक्टेंट लै रहे हो वो नेचर की है वह बिहेवियर कह जाए वो बॉन्ड कि ब्रेक करने के लिए किन्नी एनर्जी चाहिए है उसके बेस से वह जो इफेक्ट करता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन वो स्पीड को रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता घटा सकता कौन रिएक्टेंट की नेचर कि किस तरह का तुम जो रिएक्टेंट लै रहे हो ठीक है। उस तो बाद दूसरा पॉइंट देखो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मात्रा किन्नी लै रहे हो ठीक है किन्ने मोल पर वॉल्यूम तुम जो रिएक्टेंट की मात्रा लै रहे हो या तुम कंसनट्रेशन लै रहे हो ये उपर भी डिपेंड करता है ठीक है। इस तो बाद थोड़े को थर्ड पॉइंट आ जाता टैंपरेचर, तुम जो रिएक्शन की है किस टैंपरेचर के उत्ते की है ठीक है नॉर्मल जो रूम टैंपरेचर है या तुम टैंपरेचर लो रखे या तुम हाई टैंपरेचर किया जिद करके थोड़ा पता टैंपरेचर बढ़ाने के नाल कदे भी रेट ऑफ रिएक्शन ज स्पीड ठीक है कोई भी मॉलीक्यूल पार्टिकल आयन की स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह रेट भी बढ़ जाएगी जो तुम की करोगे टैंपरेचर इनक्रीज़ करोगे, अगर इन भी आप फर्दर पढ़ाएंगे जो तुम टैंपरेचर इनक्रीज़ कर दो रेट ऑफ रिएक्शन भी इनक्रीज़ हो जाता है काफ़ी वधिया स्पीड नाल जो रेट के नाल ही स्पीड बढ़ जाती है। तो यह हो जाएगा डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन के उत्ते। इसी ही तरह प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, हुण कैटालिस्ट का काम की है जो अपने को रेट होंगी है रिएक्शन की उन्होंने बढ़ा देना या घटा देना डिपेंड करता आप कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। जे थोड़ू किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की स्पीड थोड़ू घट चाहिए है तो आप अजिहा कैटालिस्ट यूज़ करा जो उस रिएक्शन घटा सकता है या फिर थोड़ा बढ़ा भी सकता है जोड़ा भी आप कैटालिस्ट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन थोड़ी नीड की है ना। तो मतलब कि यह कैटालिस्ट रेट को इफेक्ट करता बहुत ज़्यादा, जे थोड़ू बहुत ही फास्ट तुम्हें रिएक्शन करवानी है तो तुम कैटालिस्ट का यूज़ कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट होएगा जो रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है। इसी तरह
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਬਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਏ ਤੇ ਬੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਏ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਏ ਇੰਟੂ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੂ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੰਟੂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਦੈਨ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਟ ਰੇਟ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਲਾਂ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਟ ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਟ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕੇ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੇ, ਜੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨੇਚਰ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਇਹ ਆਰਡਰ, ਕਿ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜੋ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਸਮ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੂ ਵਿੱਚ ਦ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰੇਟ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਜ਼ ਟੂ
ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਟੂ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੀਟਾ। ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਕੀ ਨੇ, ਸਟੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਟ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਲਾਅ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਸਟੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਟੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਏ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰੇਟ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ 0, 1, 2, 3 ਆਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ 0 ਆਰਡਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 0 ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਉਸਦਾ ਜੋ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਟੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, 2NH3 ਦੋ ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਟੀ ਮਤਲਬ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਐਂਡ 1130 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ N2 ਦੇ 3H2 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲਈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਨਾ ਮੂਰੇ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 0 ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ NH3 ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ NH3 ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਜਾਂ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ K*** ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, 0 ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ HCl ਲਵਾਂ, HNU ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ H2 ਪਲੱਸ Cl2 ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ HCl ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ K, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ H2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 0 ਆਏਗਾ, ਐਂਡ Cl2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, 0 ਆਏਗਾ। ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0 ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2N2O5, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ, 2N2O5 ਗਿਵਸ 2NH2 ਐਂਡ O2, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ N2O2 N2O5 ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰੋਕਸਾਈਡ H2O2 ਕੀ ਦਿੰਦਾ, H2O ਪਲੱਸ ਹਾਫ O2, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਸਟ ਆਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2HI, ਠੀਕ ਹੈ। 2HI ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, H2 ਅਤੇ I2 ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K HI ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਆਇਆ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਕਹ ਲਓ, ਜੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 2 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2NO ਪਲੱਸ O2 ਗਿਵਸ 2NO2, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੇ ਕੋਂਸਟੈਂਟ, ਰੇਟ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਟੂ NO ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਐਂਡ 1 ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪਲੱਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ H2 ਅਤੇ I2 ਦੀ H2 Cl2 2HCl ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ 0 ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਲਾਅ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਰੇਟ ਲਾਅ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ।
तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो सिंपल तरीका जो चेक कर सकते हो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। उस तो बाद इन्होंने यूनिट भी आप चेक करेंगे, यूनिट की होंगी किसी भी रिएक्शन की, मोलीकुलैरिटी रिएक्शन की होंगी है, ऑर्डर से मोलीकुलैरिटी का डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ रेटला की होंगे। उस तो बाद आप चेक करेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, टोटल पीरियड वगैरह सारा, काफ़ी सारे टॉपिक ने चुके फरदर आप डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी देखा ये बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर की आए हैं सैकंड पार्ट के। तो आई होप थोड़ा वजिए लगी होगी वीडियो, तो इसमें शेयर जरूर करना है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। थोड़ा जो पी डी एफ चाहिए तो थोड़ा, ठीक है, टैलीग्राम के ग्रुप उपर मिलते रहते हैं लाइव 4 बजे होंगे मैथमैटिक्स का, वो उपर भी तुमने जरूर आना लाइव होकर देखना, ठीक है जी। तो होर भी थोड़ा कॉन्टेंट मिलता रहेगा इसे ही तरह, चैनल के जुड़े रहो, काफ़ी वजिए थोड़ी प्रैपरेशन करवाने की पूरी कोशिश करा, तो चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, इसका बैल आइकन भी क्लिक करो, बाकी के भी जरूर शेयर करना, जो भी थोड़े फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी इसकी प्रैपरेशन कर रहे हैं सारे इस चैनल के न, ठीक है, सारे शेयर करो, सारे इस चैनल के जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा वीडियो वजिए लगी होगी तो कमेंट करके जरूर जाना, तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो, थैंक यू।